दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप जुपिटर बैंक में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करोगे। जुपिटर बैंक में अकाउंट ओपन करने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। दूसरा ये इसमें कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। एंड तीसरा ये है दोस्तों कि अगर आप यूपीआई के थ्रू शॉपिंग करते हो तो आपको हर शॉपिंग पे 1% का कैशबैक मिलता है। तो आप सोच सकते हो गाइस इसमें कितने ज्यादा बेनिफिट है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे दोस्तों आप जुपिटर बैंक में जीरो बैलेंस ऑनलाइन अकाउंट ओपन करोगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको जुपिटर डिजिटल बैंक अकाउंट नेम की ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सभी परमिशन आपको अलाउ कर देना है। स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, अलाउ करना है, यहाँ पे भी आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिले तो आप इसे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप इसे अनटिक करके हटा सकते हो। उसके बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ से दोस्तों आपको सिम चूज कर लेना है, कौन सा सिम है। तो यहाँ पे हमने सिम ऑन चूज कर लिया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल से एक SMS भेजा जाएगा कंफर्मेशन के लिए, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस होने देना है एंड आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद बस आपको यहाँ पे ऑलराइट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको यस लेट्स प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। आप यहाँ पे देख सकते हो पैन कार्ड नंबर डाल के आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो रियल नेम है दोस्तों वो आपके सामने आ जाएगा, जो पैन कार्ड में नेम है। तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि डेट्स मी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपने इन्विटेशन कोड से ही अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर नहीं। तो आपको नीचे मेरे इन्विटेशन कोड से ही अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि अभी इन्विटेशन कोड से ही अकाउंट ओपन किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बोला जाएगा एंटर आधार नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है एंड यहाँ से आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है एंड यहाँ पे परफॉर्म EKYC के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वह OTP आपको यहाँ पे डाल के प्रोसीड विथ EKYC के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है, प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपका ये जो EKYC था ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों एक नया एड्रेस डालना, तो यहाँ पे आपको एड एंड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप एक नया एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन मैं इसी एड्रेस को रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वापिस से दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस रूम में हो वहाँ पे दोस्तों जो नॉइज है वो बहुत ही कम होना चाहिए एंड जो आपका फेस है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अलाउ करना है, यहाँ पे भी अलाउ करना है एंड यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए रिकॉर्ड का बटन है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक नंबर आएगा, उस नंबर को देखकर आपको रिकॉर्ड करना है एंड उसे अपलोड करना है। जैसे दोस्तों आप रिकॉर्ड कर लोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको कुछ सेकेंड वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीन चीजें डालनी है, जो है आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम डालना है एंड यहाँ पे आपको अपने माताजी का नाम डालना है। ये सब डाल के दोस्तों बस आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आप क्या काम करते हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी एनुअल इनकम है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो, तो हम सिंगल है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करके आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आई विल डू इट लेटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फोटो के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो बस आपको लुक्स गुड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे अपना पिन क्रिएट करना है, जो कि 4 डिजिट का कुछ भी एक पिन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना जो पिन है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर वापिस से दोस्तों आपको इसे कंफर्म कर देना है एंड डन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते दोस्तों आपका एमबीएन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अकाउंट का प्रोसेस था वो सक्सेसफुली सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों ये लोग आपकी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि आपको 3 मिनट तक का समय लग सकता है, तो आपको लगभग 3 मिनट जो है वेट कर लेना है। वैसे तो इससे पहले ही हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो फाइनली गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा अकाउंट था वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें मुझे कस्टमर आईडी मिल चुका है, अकाउंट नंबर मिल चुका है, आईएफएससी कोड मिल चुका है, एंड जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो भी यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे दोस्तों हमारा यूपीआई आईडी भी यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो अब बस आपको जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑर्डर योर फ्री डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बोलेगा लेट्स क्रिएट अ डेबिट कार्ड पिन। तो आपको यहाँ पे अपना एक डेबिट कार्ड का पिन क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका शिपिंग एड्रेस दिखाई देता है जहाँ पे आपका डेबिट कार्ड आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको गेट वन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो जो भी आपको पेमेंट चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से जो है कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करते ही लास्ट में आपको फिनिश कर देना है। जैसे दोस्तों आप फिनिश कर दोगे ये आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज भी आपको आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिनिश अकाउंट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, यानी कि डेबिट कार्ड आपने ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे आपको बोलता है कि आप यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, तो आप जितना चाहें उतना दोस्तों अपने हिसाब से अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये या फिर 10,000, जितना भी आपके ऊपर है वो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सभी बैंक देखने को मिल जाएंगे, जिस भी बैंक से आप इसमें पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं SBI चूज कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं SBI के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ पे जितना भी आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू कर देना है एंड पैसे डिपॉजिट कर लेने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 500 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी कर लिए हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से दोस्तों आप अपना जो डेबिट कार्ड है यानी कि वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसे देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड नंबर मिल जाता है, साथ में एक्सपायरी डेट एंड यहाँ पे CVV कोड, जिसे व्यू के ऊपर क्लिक करोगे ये जो आई बना है तो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप चाहें तो अपने जो डेबिट कार्ड है उसे यहाँ से स्लिप या फिर फ्रीज कर सकते हो। तो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब रह जाती है बात वीडियो KYC का, तो यहीं पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है वीडियो KYC का, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको सिंपली गेट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट होगा, जिसमें दोस्तों आपको पैन कार्ड एंड व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट कर देंगे एक एजेंट के पास जो आपका वीडियो KYC करेगा। तो यहाँ पे अभी देख लीजिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो लोग बिजी होंगे अदर्स का KYC करने में। तो आपको वेट करना है, कभी भी यहाँ पे आप वीडियो KYC कंप्लीट कर सकते हो। एजेंट यहाँ पे फाउंड हो चुका है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टिंग हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड वीडियो KYC कंप्लीट कर लेता हूँ मैं फटाफट, उसके बाद आपके सामने आता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा जो वीडियो KYC था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे वीडियो KYC कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो वीडियो KYC है दोस्तों 72 आवर्स के अंदर आपको बाय SMS कंफर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको गो टू होम के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों हमने सब कुछ कर लिया है, वीडियो KYC भी कर लिया है, अकाउंट ओपन भी कर लिया है एंड अपना जो डेबिट कार्ड है उसे भी ऑर्डर कर दिया है फ्री में, एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड तो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है एंड पैसे भी हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जुपिटर बैंक में 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।